Welcome to my YouTube channel Sara Yummy Corner for healthy cooking tips watchers. Hello friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल, जो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रीमी रेसिपी है, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। आजकल आप इसे इफ्तार में या फिर ईद पर बना सकते हैं या फिर घर पर आने वाले मेहमानों के लिए बना सकते हैं। यह सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ली है, आप किसी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं। सबसे पहले हम जेली पाउडर को बॉयल वाटर में मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसे कंटेनर में निकाल लेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। 20 से 25 मिनट तक हम इसे फ्रीज करेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। इसके बाद हम यहाँ कस्टर्ड तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें 1 लीटर मिल्क को बॉईल किया है। हमारा मिल्क अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके बाद हम 1/2 कप मिल्क में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को जब तक मिल्क में अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक उसमें कोई लम्स ना रहे। इसके बाद मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर मिल्क में धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे। या हमें चम्मच को लगातार चलाते रहना है ताकि मिल्क में लम्स ना पड़े। इसके बाद हम यहाँ पर 1 कप शुगर ऐड करेंगे और लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप क्रीम ली है, वो भी हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम अच्छे से कस्टर्ड में इसे मिक्स करेंगे। हमारी जेली फ्रीज हो चुकी है, अब हम उसे नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लूँगी। यहाँ पर मैंने एक एप्पल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बाउल में ऐड किया है। इसके बाद मैंने एक बाउल अनार का ऐड किया है। इसके बाद एक बनाना छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड किया है। फिर मैंगो ऐड किया है, फिर स्ट्रॉबेरी ऐड की है। सभी फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ रख लेंगे ताकि हम 1 by 1 उसे यूज़ करके ट्राइफल की लेयर्स बना सकें। यहाँ पर मैंने चिया सीड्स पहले से गला के रखे हुए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ रखेंगे ताकि हम ट्राइफल्स की लेयर्स एक साथ बना सकें। सबसे पहले हम केक के छोटे छोटे पीसेस एक बाउल में लेंगे। इसके बाद स्पून की हेल्प से मिल्क इस पर स्प्रेड करेंगे ताकि ये केक थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम केक के ऊपर 1 या 2 स्पून कस्टर्ड की स्प्रेड करेंगे। इसके बाद थर्ड लेयर में हम सारे मिक्स फ्रूट को इसमें ऐड करेंगे। फिर फोर्थ लेयर में हम इस पर जेली ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक ही फ्लेवर की जेली स्ट्रॉबेरी यूज़ की है, आप चाहें तो 2-3 फ्लेवर की जेली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ लेयर में मैंने यहाँ चिया सीड्स ऐड किए हैं, यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 6th लेयर में यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसी तरीके से ये 6th लेयर हम वापस से रिपीट करेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेयर फिल करके हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल का बाउल फिल हो जाएगा। इसके बाद टेस्टी फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून रू अफ़ज़ा इस पर चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो किसी और फ्लेवर का शरबत भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट पर यहाँ पर कुछ क्रीम स्प्रेड करी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मीठा मीठा सा यम्मी यम्मी सा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। आप इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद सर्व करें, यह बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सारा यम्मी कॉर्नर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।